एक बहुत कॉमन सी समस्या सामने आती है दोस्तों के कि उनका SGPT तो नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल है बिल्कुल, 40 से नीचे है, बट उनका जो अल्ट्रासाउंड है वो उनका फैटी लीवर शो हो रहा है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 है या फिर ग्रेड 2 है, और उनकी जो लीवर की जांच है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट है वो उसके नॉर्मल आ गए। तो वो इस डाउट में रहते हैं कि हमारी कौन सी जाँच गलत हो गई है, कि हमारा अल्ट्रासाउंड तो गलत नहीं है या फिर हमारी लीवर की जांच तो गलत नहीं हो गई है। क्योंकि जनरली हम डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है तो आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। अब जब SGPT कम हो जाता है और फैटी लीवर की रिपोर्ट्स में आता है तो वो इसलिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो गलत नहीं हो गई है। तो एक दो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, लीवर हमारा एक काफ़ी बड़ा मेजर ऑर्गन है, लगभग 14 सेंटीमीटर का आप इसको जनरली मानिए, और जब ये बढ़ता है, फैट बढ़ती है, तो इसका साइज थोड़ा बढ़ता है और फैटी लीवर ग्रेड 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ जांच करा के तो हमारी कई बार SGPT बढ़ जाती है। अब SGPT की पेशेंट ने दवाई खा ली है तो SGPT का तो ये है कि वो आसानी से डाउन हो जाएगा आपका। ये सपोज कीजिए अगर आपका 120 SGPT है, आप कुछ परहेज कर लें, अच्छे से दवाई कर लें, या फिर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाए, तो आपका SGPT तुरंत डाउन हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। बट आपका लीवर इतनी जल्दी, उसकी जो सेल्स थोड़ी बड़ी हुई हैं, जो फैट वहां पे आई हुई है, वो इतनी जल्दी डाउन नहीं होता है। इसलिए आप लगभग 1 महीने बाद भी अपनी जांच कराते हैं तो उसमें फैटी लीवर कई बार देखने को मिलता है। यह है सिंपल सी कहानी है इसकी। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, रिपोर्ट जो है आपकी ठीक होंगी। फैटी लीवर धीरे धीरे करके आपकी रिपोर्ट से जाना शुरू होगा। SGPT अगर आपका नॉर्मल है तब भी वो धीरे धीरे जाना शुरू होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा जिससे आप बिल्कुल आसानी से और समझ जाएंगे। आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी आंखों पे साइन आने शुरू हो जाते हैं, फैट यहाँ पे इकट्ठे होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, परहेज करता है और उसकी फैट बॉडी के अंदर से कम हो जाती है, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसके निशान नहीं जाते, इवन दवाई करने के बाद भी नहीं जाते। तो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, हमारे जो टिश्यूज इकट्ठे हुए हैं, फैट इकट्ठी हुई है, वो इतनी जल्दी हमारी बॉडी से नहीं जाती है, उसके साइन वो वहां पे मिलते मिलते हैं, भले ही आपकी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर कंडीशन आपकी ठीक हो गई हो। ये था पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं थायराइड का। थायराइड में भी हम लेते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जहां पे T3 T4 बढ़ता है और गोइटर वाली कंडीशन पेशेंट को हो जाती है कि उसको गोइटर हो चुका, मतलब घेंगा रोग हो चुका है। पेशेंट की स्थिति ये है कि उसको घेंगा रोग हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, बट अब उसके सारे जो हॉर्मोन्स लेवल हैं थायराइड के वो नॉर्मल हो चुके हैं, बट पेशेंट की जो स्थिति है वो अब भी ऐसी ही बनी हुई है। तो इसमें मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, उसको सही होने में समय लगता है, चाहे आपकी रिपोर्ट ब्लड के अंदर नॉर्मल क्यों ना आ गई हो। ये छोटा सा वीडियो था, एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन दोस्तों का SGPT SGOT बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ जाके आप मेरे और वीडियोज़ देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। और SGPT को 7 दिन में कम करने के लिए आपको क्या डाइट फॉलो करनी है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।